हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं वो हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन और जूट फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, सिल्क एंड वूल हमें एनिमल से मिलते हैं। अब हम नेचुरल फाइबर्स का यूज़ बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन इस नेचुरल फाइबर्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि दे आर मोर प्रोन टू मॉथ अटैक्स। कॉटन और जूट में बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं, सिल्क और वुल में डेलिकेट हैंडलिंग का रिक्वायरमेंट होता है। अब इन सभी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग की गई। आर्टिफिशियल फाइबर्स में हम लोग पढ़ेंगे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में। इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिंथेटिक फाइबर्स किसके बने होते हैं। जिस तरीके से एक नेकलेस थ्रेड और बीड्स से बना होता है, उसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो भी छोटे छोटे यूनिट्स को ज्वाइन करने से बनता है। इन छोटे यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं, और ये छोटे यूनिट्स या फिर ये मोनोमर्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करके सिंगल लार्ज कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पॉलिस्टर फाइबर जो है वो ईस्टर स्मॉल यूनिट्स का बना होता है। पॉलीमर वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बना है। फर्स्ट है पॉली, इसका मतलब होता है मैनी, और दूसरा वर्ड है मैरोस, इसका मतलब होता है पार्ट्स। तो जब कोई भी कंपाउंड मैनी पार्ट्स का बना होता है तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। डिड यू नो दैट इवन नेचुरल फाइबर्स आर पॉलीमर्स? क्या आपको पता है कि नेचुरल फाइबर्स भी पॉलीमर्स होते हैं? जैसे कि सेलुलोज जो है वो हमारा एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि प्लांट्स के सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है। ये किसका बना होता है? ये ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स को क्लासिफाई करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स, जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, वो कंबाइन होकर जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप के पॉलीमर्स में कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, इसीलिए इनको हम एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एट्सेट्रा। कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे यूनिट्स मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सिंपल कंपाउंड्स का, सिंपल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन भी होता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं नायलॉन 6,6 और टेरिलीन एट्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। नेचुरल सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और नेचुरल सिल्क एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत ही डेलिकेट फाइबर होता है, जिसकी वजह से हैंडलिंग और केयर बहुत करनी पड़ती है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने इक्वली ब्यूटीफुल फाइबर का फॉर्मेशन करने की सोची, और 19th सेंचुरी के एंड में उन्होंने रेयॉन ऑब्टेन कर लिया, जो कि प्रॉपर्टीज में सिल्क की तरह है। सिल्क को रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क या फिर आर्ट सिल्क कहते हैं। ये अब एक्सपेंसिव नहीं है, ये चीपर है। इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड डज नॉट रिक्वायर डेलिकेट हैंडलिंग। इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत ही पॉपुलर फैब्रिक है। अब हम देखेंगे रेयॉन कैसे ऑब्टेन होता है। तो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से रेयॉन मिलता है हमें। वुड पल्प एक नेचुरल रॉ मटेरियल है, लेकिन इसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, इस वजह से रेयॉन को हम मैनमेड या फिर सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। रेयॉन एक सेलुलोजिक फाइबर है। सेलुलोज हमें ग्रीन प्लांट से मिलता है। कॉटन भी एक सेलुलोजिक फाइबर है। अब हम देखेंगे रेयॉन के क्या यूजेस हैं। रेयॉन एक वर्सेटाइल फाइबर है। कंफर्ट में ये सिल्क की तरह होता है, लेकिन सिल्क से चीप है, और इसको हम डिफरेंट कलर्स में
हाँ, डाई कर सकते हैं इसको। कॉटन, वुल और लिनन के साथ मिक्स करके एप्रल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे कि ड्रेसेस, जैकेट, सूट्स, टाइज एटसेट्रा। और फर्निशिंग में भी रेयॉन का यूज़ करते हैं, जैसे कि बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स और कारपेट्स बनाने में। ग्रासिम टेक्सटाइल ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयॉन इन द वर्ल्ड। इनके एमपी, कर्नाटका और गुजरात में प्लांट्स लगे हुए हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन को 1931 में प्रोड्यूस किया गया। ये हमारा फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, जिसको कि हम कोल, वाटर और एयर से प्रिपेयर करते हैं। सितंबर 1931 में वैलेस कैरोथर्स, जो कि अमेरिकन केमिस्ट थे, उन्होंने इस मैरेकल फाइबर का डिस्कवर किया। इसको नायलॉन कहते हैं, या फिर हम 6-6 कहते हैं इसको। यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन इज वन ऑफ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ये स्ट्रांग होता है, लश्रस होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये वुमेन होजरी, रोप्स फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग, टेंट्स, फ्लैग्स, स्ट्रिंग्स ऑफ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, स्क्वैश एंड टेनिस रैकेट्स, स्ट्रिंग्स, हेड ऑफ ड्रम स्टिक्स बनाने में यूज किया जाता है। ये सॉफ्ट और लश्रस भी होता है, लेकिन ये स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको हम रोप्स और पैराशूट बनाने में भी यूज करते हैं। यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए आप लोग, कि नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रांगर देन अ स्टील वायर। अब जो भी हमारे पास फैब्रिक्स हैं, उनको अगर हम उनकी स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करें, तो सबसे बेटर जो है वो नायलॉन है। कॉटन से ज़्यादा स्ट्रांग वूल होता है, और वूल से ज़्यादा स्ट्रांग सिल्क है, और सबसे ज़्यादा इनमें से स्ट्रांग नायलॉन है। अब हम पॉलिस्टर और एक्रिलिक, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिस्टर जो है वो ईस्टर, जो कि स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स हैं पॉलिस्टर के, उनसे बना होता है। ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अब हम देखेंगे पॉलिस्टर के क्या क्या यूजेस हैं। पॉलिस्टर को क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है, शर्ट्स। टेरिलीन एक कॉमन पॉलिस्टर है। जितने भी आउटडोर गेयर्स हैं, जैसे कि फ्लाई शीट्स, टेंट्स, रोप्स, दे ऑल आर मेड ऑफ पॉलिस्टर्स। पॉलिस्टर क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। हाँ, नायलॉन वैसे तो कंपेरेटिवली स्ट्रांग होता है पॉलिस्टर के कंपैरिजन में, लेकिन जो पॉलिस्टर का ये जो हाइड्रोफोबिक नेचर है, इसलिए हम इस पॉलिस्टर को प्रेफर करते हैं ये सारे सब्सटेंसेस, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने में। पॉलिस्टर का एक और फॉर्म है, जिसको हम पीईटी कहते हैं, जो कि बॉटल्स, जार्स, वायर्स, फिल्म्स और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में यूज होते हैं। पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीथाइलीन टेरेप्थलेट। पीईटी को हम टेक्सटाइल एप्लीकेशन में पॉलिस्टर कहते हैं। पीईटी को हम पैकेजिंग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। पॉलिस्टर को अदर फाइबर्स के साथ भी मिक्स करके यूज किया जाता है, जैसे कि जब इसको हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो इसको हम पॉलीकॉट कहते हैं, और जब वूल के साथ मिक्स करते हैं तो इसको हम पॉलीवूल कहते हैं। टेरिकॉट, ये टेरिलिन और कॉटन का मिक्सचर होता है। अब हम देखेंगे एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो वूल, जो कि हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि शीप एंड गोट, इसमें बहुत प्रोसेसेस जो हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए नेचुरल वूल जो है उसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं उसका। ऑल्सो नेचुरल वूल फाइबर जो हैं वो डेलिकेट होते हैं, और उन्हें केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, वूल की तरह प्रॉपर्टीज शो करने वाला एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग की। ये इट इज़ चीपर देन वूल, और ये डेलिकेट भी नहीं होता है, इसलिए इसकी हैंडलिंग और केयर करने भी बहुत आसान है, और इसे इजीली डिफरेंट कलर्स में डाई किया जा सकता है, और ये ड्यूरेबल फाइबर है। वॉश एंड वेयर
एरा जो है वो पॉलिस्टर और एक्रिलिक फाइबर्स की वजह से ही आया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आयरनिंग है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होती जा रही है हमारी डेली एक्टिविटी में, क्योंकि अब ये जो फैब्रिक्स हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, कलर परमानेंट हैं और रिंकल फ्री हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल हैं, स्ट्रॉन्गर हैं नेचुरल फाइबर से और ईजी टू मेंटेन एंड अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स एंड मिक्सड ब्लेंड्स। सिंथेटिक फाइबर्स कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये सारी क्वालिटीज होने के बाद भी कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि ये फायर इजीली कैच कर सकते हैं और अगर फायर लग गया इनमें तो फिर जो भी पर्सन है उसके बॉडी पर ये स्टिक हो जाएंगे और सीवियर बर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि सिंथेटिक क्लॉथ्स को किचन, लेबोरेटरी और नियर एनी सोर्स ऑफ फायर वहाँ पर इसको हम यूज़ नहीं करें।